हेलो, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून नहीं, एक्चुअली गुड इवनिंग एवरीवन. और ये टाइम है अभी गुड नाइट कहने का, लेकिन मैं वापस आप लोग का स्वागत करती हूँ अकेडमी के चैनल पे. और मैं हूँ दिव्या त्रिपाठी. बच्चों, अगर वीडियो और ऑडियो क्लियर है तो प्लीज़ मुझे पिंग करके इन्फॉर्म कीजिए, मुझे बताइए. देवांश, हेलो एटीट्यूड बॉय. ओके, हाय. चलो बच्चा, आप चूंकि आपके सोने का वक्त है, लेकिन आप लोग अब उठ जाओ, हिस्ट्री की क्विज कर लेते हैं थोड़ी देर तक. आपका रिविजन भी हो जाएगा और थोड़ी पढ़ाई भी हो जाएगी. और तुम लोग की डिमांड पे मैंने बोला है हिस्ट्री क्विज करने को. याद रखना, बिल्कुल ना बोलना कि मैम अपनी मर्जी से कर रही हैं. तुम लोग जो शाम की क्लासेस में चिल्ला रहे थे कि मैम हिस्ट्री 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 क्विज, तो बैठ के मैंने दोबारा से पीपीटी बनाया तुम लोगों के लिए. मोहित, हाय. हेलो बच्चा, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका एग्ज़ाम, बार बार ये बातें बोल रही हूँ, तुम लोग बोर मत हो जाना. देखो बच्चे, तुम लोग के एग्ज़ाम्स आने वाले सी डी एस एफ कैट सी ए पी एफ के, और उसकी तरह तैयारी करना, अगर तुम जितनी जल्दी शुरू करोगे वो उतना ज़्यादा अच्छा है. कोई भी वक्त ऐसा मत मानो कि अभी वक्त बहुत ज़्यादा है तो तैयारी लेट से भी शुरू करेंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा. हल्के में अगर लोगे एग्ज़ाम को तो एग्ज़ाम भी फिर हल्के में ही ले लेगा, ठीक है? तो तैयारी करना अच्छे से शुरू कर दो. अरे मोहित, तुम रेडी हो क्या? बात है बच्चा, वेरी गुड. तो देखो, अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है. यहाँ पे तुम्हें बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं जो तुम्हारे हर एक सब्जेक्ट को लेके, हर एक टॉपिक को लेके बहुत बेहतरीन तरीके से कवर अप किया जाता है, इसे कवर किया जाता है, और तुम्हें अच्छी तरीके से एक अच्छा मैप प्रोवाइड कराया जाता है तुम्हारे एग्जाम तक के लिए. चलो बच्चों, तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फायदे मिलते हैं. इस परिवार से जब आप जुड़ते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप एक्सेस कर पाते हो. जैसे आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं, अगर आपके कोई भी कोर्स, अगर आपके कुछ भी मिस हो गए होते हैं, कोई भी अगर आपकी क्लास मिस हो गई होती है, तो बकायदा आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो. आपके डाउट क्लियरिंग के सेशन होते हैं. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है, तो आपकी डाउट क्लियरिंग सेशन कंडक्ट होती है और तुरंत आपके डाउट को क्लियर किया जाता है. दूसरी बात, यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट की चीज़ें ये है बच्चों की. देखो, तुम लोग को एक तो फ्री यहाँ पे क्विज मिल रहा है और मॉक टेस्ट मिल रहा है. यार, पढ़ने वाले बच्चों, तुम लोग बताओ कितने सारे तुम लोग ढूंढते हो मॉक टेस्ट के लिए. कोई तो मॉक टेस्ट करवा दे ताकि समझ में आ जाए कि हाँ, मैं कहाँ पे गलत जा रहा हूँ, कहाँ पे सही जा रहा हूँ. बात आ रही समझ में? तो यहाँ पे तुम्हें क्विज मिल रहा है, तुम्हें मॉक टेस्ट मिल रहा है. बकायदा तुम्हारे एजुकेटर यहाँ पे तुम्हारे लिए एक प्लान लेके रेडी रहते हैं कि तुम्हें किस तरीके से पढ़ाना है, क्या सब्जेक्ट है जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से कितने नंबर का वेटेज का क्वेश्चन आता है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन कवर होते हैं, क्या क्या तुम लोग को पढ़ना ज़रूरी है, वो एक शॉर्ट में करके एक अच्छी तरीके से तुम लोग को पढ़ाया जाता है. क्योंकि गाइडेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है यार. किसी भी एग्जाम में अगर स्ट्रक्चर्ड तरीके से तुम ना पढ़ो, तो वो रोड मैप अगर ना बनाओ, तो हमेशा पता चलेगा तुम लोग अपना मटेरियल जो है वो चेंज करते रहो. कहीं बोलोगे ये बुक अच्छी है, कहीं बोलोगे ये बुक अच्छी है, कहीं बोलोगे वो बुक अच्छी है. बातें समझ रहे हो? तो अच्छा, मेरे बारे में कुछ जान लेते हैं. मेरा नाम है दिव्या त्रिपाठी और मैं डिफेंस एग्जाम के लिए आप लोग को मेंटर करने वाली हूँ, जनरल स्टडीज़ के लिए, और कर भी रही हूँ. तो बच्चा, मेरे पास 4 साल के एक्सपीरियंस है पढ़ाने का और मैंने बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हैं. और फिलहाल मैं एडवोकेट हूँ कलकत्ता हाई कोर्ट में. बच्चों, बच्चों को मेंटर किया है और अब तुम लोग को करने वाली हूँ और कर रही हूँ. बच्चों, फटाफट क्लास को शेयर और लाइक करो सबसे पहले आप लोग. क्लास को शेयर और लाइक कर दो बच्चों पहले. टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो आप लोग. टेलीग्राम जाओ आप लोग, प्ले स्टोर में जाओ, वहाँ पे आपने जाके टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है. आपको यहाँ पे एक लिंक दिखाई दे रही है, उस लिंक को यूआरएल में डालो और क्लिक करो ज्वाइन करने के लिए. आपको वहाँ अगर कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी समस्या हो रही है, वहाँ आपकी टीम मौजूद है जो आपसे बातें करेंगी, जो आपको अगर कोई भी डाउट हो रहा है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा. हर्ष, हाय. हेलो, गुड इवनिंग. विराज, हेलो. बच्चों पहले फटाफट तुम लोग क्लास को शेयर करो. तो फटाफट पहले चलो बच्चों, जब तुम सब्सक्रिप्शन लेते हो तो तुम्हारे, जैसे तो तुम सी डी एस डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, तुम सी डी एस एफ कैट सी ए पी एफ के तुम सब्सक्रिप्शन लेने की जब बात कर रहे हो, तो तुम्हारे यहाँ पे जो कोर्सेज डिज़ाइन किए हुए हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं ताकि हर किसी को आसानी. अगर तुम्हारे लिए जो भी सहूलियत लगता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें 6 महीने के कोर्स के साथ तुम्हें प्रोसीड करना है, तो तुम 6 महीने के कोर्स से प्रोसीड कर सकते हो. तुम्हें लगता है कि तुम्हें 1 साल का कोर्स लेना चाहिए, तुम 1 साल का लेके प्रोसीड कर सकते हो, 2 साल का लेके प्रोसीड कर सकते हो, 1 महीने का, 3 महीने का. यहाँ पे हर किसी के लिए हर एक तरीके से ध्यान में मद्देनजर रख के तुम्हारे लिए कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है. अभिषेक, नमस्ते.
चलो बच्चा, 1 महीने का आपका कितना फीस है? 1,440 रुपये है। 3 महीने का आपका 3,600 रुपये पड़ता है। 6 महीने का 6,480 रुपये, यानी महीने का 1,080 रुपये। और 1 साल का अगर तुम कोर्स ले रहे हो तो तुम्हें पड़ता है 7,920 रुपये, यानी महीने का 660 रुपये। और अगर आप 2 साल का कोर्स ले रहे हो तो ऑब्वियसली चीज़ है, 11,520 रुपये, यानी महीने का मात्र 480 रुपये पड़ रहा है यार। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और गाइड तुम्हें सारे के सारे फ़ायदे तुम्हें ही होते हैं। तुम जब भी ये कोर्स खरीदो, जब भी तुम सब्सक्रिप्शन लो, तुम वहाँ पे रेफरल कोड का ऑप्शन आता है बच्चा, वहाँ तुम मेरा कोड इस्तेमाल करो दिव्या मैम और प्रोसीड करो पेमेंट के लिए। तुम्हें 10% का ऑफ मिलेगा वहाँ पे। चलो आज जैसा कि हिस्ट्री क्विज है, बच्चों आप लोगों को जो भी मंथ सही लगता है, आपको लगता है कि आप कितने मंथ में आप प्रिपरेशन अपनी कर पाओगे, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपने कोर्स को परचेस कर सकते हो। कोई प्रेशर थोड़ी ना है आपके ऊपर। चलो स्टार्ट करते हैं आज की हिस्ट्री क्विज को, स्टार्ट करते हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग, पहले लाइक और शेयर करो फटाफट। तुम लोग के बोलने के बाद मैं अभी हिस्ट्री की क्विज करा रही हूँ, रात को बता रही हूँ पहले से। Who among the following rulers had stamped the figure of goddess Lakshmi on his coins and had his name inscribed in the Nagari character? इनमें से कौन सा वो रूलर था जिसने गॉडेस लक्ष्मी की तस्वीर, कहीं ना कहीं उनका स्टैंप लगाया था कॉइन के ऊपर और उनका अपना नाम भी इंस्क्राइब किया था नागरी कैरेक्टर में? किसने कराया था? मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश? पढ़ाया है मैंने, बार बार बता रही हूँ, ये मैंने तुमको पढ़ाया और मैंने ये कवर भी किया है। अच्छा 20% ऑफ नहीं होता मेरा बच्चा, ऑलरेडी इतना लो कॉस्ट है, इसमें भी आप लोग 20% ऑफ बोल रहे हो तो थोड़ी तो इश्यू है ना। फिर सी किसने बोला है? मार खाओगे भाई, तुम ही बोल रहे थे ना क्विज कराने को। इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर तुम इधर आओ, तुम्हें मैं बताती हूँ। सी कैसे बोल रहे हो? हाँ जी मोहित, यू आर राइट। बी, बी इज द करेक्ट आंसर। वेट, रुक जाओ, तुम लोगों को जरा टिक भी लगाते जाओ, मार्क करते जाओ। तो स्माइल कर दिया। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी। कहाँ हो तुम लोग? हाँ सी, मोहम्मद बिन तुगलक कैसे यहाँ निकल रहा है तुम लोग के मुंह से? एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मोहम्मद गौरी। बेटा सैड नहीं हूँ बेटा, मुझे थोड़ी सी तकलीफ है, तबीयत मेरी थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी है, तो वही थोड़ी सी बस तकलीफ है और कुछ नहीं। मोहम्मद गौरी वॉज फर्स्ट डिफीटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स? मोहम्मद गौरी पहली बार पराजित हुआ था इनमें से, निम्न में से कौन से शासक से? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद्र, विदयधारा चंडेला या भीम टू? कोई बात नहीं हर्ष, अरे मजाक कर रही थी। अभी चलो इसका जवाब दो फटाफट। इतना बता दे रही हूँ, जो उसने इसको हराया था वो सलंकी का राजा था गुजरात का। बार बार पढ़ाया है मैंने ये चीज और बताई भी है मैंने ये चीज। हर्ष ए, नहीं मेरा बच्चा, ये लो तुम लोग की चैट्स फिर से कहाँ चली गई। मोहित सिंह वेरी गुड, आकाश, अशोक कुमार वेरी गुड, शिवम नहीं बच्चा, मोहित वेरी गुड, अशोक वेरी गुड, इस भीम टू। तुम लोगों को कितनी बार पढ़ाया नालायकों, कितनी बार तुम लोगों को पढ़ाया है मैंने सोलंकी का राजा गुजरात, भीम टू, कितनी बार ये चीज़ पढ़ा के रखी है मैंने। जब पढ़ाती तो पढ़ा नहीं जाता तुम लोगों को उस वक्त के टाइम पे? मेहनत
करके चिल्ला चिल्ला के इन लोगों के लिए पूरा का पूरा दिन निकाल दो। और ये लोग जितने हैं ना, ये गधे सारे के सारे, पढ़ना है नहीं इन लोगों को ढंग से। इन सब क्वेश्चन में गलत कर रहे हो ना, जो क्वेश्चन में पढ़ाई भी, उन सवालों में तो कम से कम गलत मत करो। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू ऑर्गेनाइज द हज पिलग्रिमेज एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट। पहला रूलर कौन था जिसने हज पिलग्रिमेज को, हज तुम लोग को पता है, बार राज्य के खर्चे से, पहला भारत में शासक। सूरज को तो आज, तो आज सूरज तो पिटेगा रात, बता रही हूँ, दिमाग एकदम नहीं गर्म करेगा मुझे, मेरा एकदम बता दे रही हूँ पहले से। अरे मेरा बच्चा, तुम लोग क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ते हो? ठीक मेरा बच्चा, भीम टू था बच्चा, सोलंकी राजा बच्चा, मैंने आपको पढ़ाया था मेरा बच्चा। हाजी मोहित वेरी गुड, अकबर शिवम वेरी गुड, पढ़ने वाले मेरे जो बच्चे हैं वो जवाब देते ही जा रहे हैं, चलो वेरी गुड। अकबर वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू ऑर्गेनाइज हज पिलग्रिमेज एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट। Which of the following term is used for rites of Charyapadas, that is Yogacari, Mahashraddha, Sakapya या Charakya Purush? मैं पहले बता दे रही हूँ चर्यापदास किसके बारे में बात हो रही है। ये एक बुद्धिस्ट पोएम है जो कि मेनली पाला डायनेस्टी के टाइम पे लिखा गया था, कंपोज किया गया था इसको, और इसकी कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा थी, इसके ओरिजिन को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी थी। अब बताओ इसके राइटर को क्या कहा जाता है, जिसने ने लिखा है चर्यापदास, उनके राइटर को क्या कहा जाता है? तुम लोग को चैट मुझे क्यों नहीं दिख रहा बाबा? यार रात में तो कम से कम ये नेटवर्क इशू ना हो। रुक जाओ रुक जाओ, बच्चे इसका आंसर होगा बी। सॉरी तुम लोग के चैट मुझे शो नहीं कर रहे हैं और दिख नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं हर्ष, कोई बात नहीं है सूरज, तुमको मैं बताती हूँ कितनी बीवी है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम मिलो बस एक दिन मुझे, तुमको मैं पीट पीट के ना तुम्हारा ना। मोहित वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत फेस्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ मंगोल अटैक। इसको गलत बता दो थप्पड़ मारूंगी पकड़ के। Which of the following ruler of Delhi Sultanate faced the maximum number of Mongol attack? दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा मंगोल अटैक किसके शासनकाल के दौरान हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या बहलोल लोदी? गुड इवनिंग युवराज, रात में ये सबसे ज्यादा नेट इशू होते हैं। अच्छा बताओ बताओ, जवाब दो, जवाब दो पहले फटाफट। शिवम वेरी गुड, मोहित वेरी वेरी गुड, मोहित मनीष, क्योंकि मेरे पापा मम्मी देखने में अच्छे हैं बच्चा, इसलिए मैं भी अच्छी हूँ, उन्हीं की बच्ची हूँ ना, इसलिए जैसे पापा भी वैसे मैं, सिंपल सी चीज है। चलो क्या इसका आंसर? अलाउद्दीन खिलजी, वेरी गुड। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे बार बार पढ़ाया था आप लोगों को, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मंगोल अटैक्स हुए थे और बहुत सफलता पूर्वक अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे सामना किया था।
विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द रियल नेम ऑफ मुगल एम्परर मोहम्मद शाह? मोहम्मद शाह का इनमें से असली नाम क्या था, जो भी नीचे तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, इनमें से असली नाम क्या था मोहम्मद शाह का? मुगल एम्परर था मोहम्मद शाह उनका। खुजास्ता अख्तर, शरियर शाह बहादुर, नादिर शाह, रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह का असल नाम क्या था? सी। नहीं 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 गुड अटेम्प्ट, लेकिन थोड़ा सा और सोचिए। अब है नहीं, कहाँ गए मोहित तुम? मोहित युवराज कहाँ हो, बोलो जवाब दो। चलो बच्चा, ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, रोशन अख्तर। रोशन अख्तर वॉज द रियल नेम ऑफ मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का असल नाम क्या था? रोशन अख्तर। हाँ जी मोहित, वेरी गुड। द टेम्पल सिटी ऑफ ओशियान नियर जोधपुर वॉज बिल्ड बाई विच अमंग द फॉलोइंग राजपूत किंग? एक टेम्पल सिटी है ओशियान जो जोधपुर के करीब है, उसको इनमें से किन राजपूत किंगों द्वारा बनाया गया था, किन राजपूत शासकों द्वारा बनाया गया था? ए सूरज मार खाएगा। मोहम्मद अरबाज, चलो बच्चों जवाब दो इसका। किन शासक काल में किन राजपूतों के शासकों ने बनाया था, एक्चुअली शासन काल शासकों वो वाले बातें। किडनैप किडनैप छोड़ो, जवाब दो जरा थोड़ा बहुत। हिस्ट्री की क्विज इस वक्त रात में तुम लोग के लिए करवा रही हूँ और तुम लोग हो कि मस्ती करने में जुटे हुए हो यार। मोहित वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। प्रतिहारस वेरी गुड, क्या बात है मोहित। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर इज ऑल्सो नोन टू बी वेरी गुड प्लेयर ऑफ वीना? इनमें से कौन से शासक को जाना जाता था कि बहुत अच्छा वीना बजाते थे? बताओ फटाफट बताओ। शासक भी बहुत क्रूर था, लेकिन पहले बता दे रही हूं। अब बता दो, जो जहांगीर का बहुत अच्छा प्लेयर था, जहांगीर बोल रही हूँ, वीना का बहुत अच्छा प्लेयर था वो, और मुगल एम्परर था। अब इतना ही बता देती हूँ, वो आखिरी शासक था। अब तो बता दो, हाँ जी हर्ष, वेरी गुड। इट्स डी, औरंगजेब। कौन था वो? औरंगजेब बेटा, औरंगजेब था वो मुगल एम्परर जो बहुत अच्छा प्लेयर था, वीणा बजाता था, वो कौन था? औरंगजेब। याद रखो तुम लोग जो हो ना तुक्का मारने वाले। मोहम्मद अरबाज वेरी गुड, अमन देव वेरी गुड, हर्ष, अशोक, अशोक वेरी गुड, सूरज तुम। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी फर्स्ट ओनर ऑफ कोहिनूर डायमंड? अच्छा ये भी बताया था मैंने, बताया था याद करना। जब अटैक हुआ था इसने अब कोहिनूर दे दिया था, ऐसा कहते हैं। पहला किसको माना जाता है कि पहला ओनर कोहिनूर डायमंड का कौन था, बता दो इसका जवाब। अरे युवराज क्या हो गया बच्चे तुम्हारा, तुमने कौन सा क्वेश्चन पूछे? तुम्हारा क्वेश्चन नहीं आया युवराज, आता तो मैं बताती नहीं, सच्ची नहीं आया तुम्हारा क्वेश्चन। तुम देखो ऊपर तक स्क्रॉल करके देखो, तुम्हारा एक भी सवाल नहीं आया है बच्चा।
कहते हैं कि दो वर्जन था डायमंड का, एक था 13th सेंचुरी में, और उस वक्त जो पोजेशन था वो काकतीयस के पास हुआ करता था, ठीक है। और उन लोगों ने जब पोजेशन हो गया था काकतीयस पे, जब पोजेशन हो गया था खिलजी का, तो उन लोगों ने वो मलिक काफूर को दिया था, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी उसको रखा था उसने दिल्ली सल्तनत में, तब जाके फिर वो खिलजी के बाद वो बाबर, फिर मुगल्स के पास वो आ जाता है। तुम लोग पढ़ लो ना बच्चा, अच्छे से थोड़ा ढंग से पढ़ लो बच्चा। आप लोग के चैट मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ। युवराज खिलजी, वेरी गुड युवराज। अमनदेव कोई बात नहीं बच्चा। फोर्ट ऑफ अलाहाबाद वॉज बिल्ड बाई, फोर्ट ऑफ अलाहाबाद वॉज बिल्ड बाई हुम? अकबर, शेर शाह सूरी, एक्सक्यूज मी, वॉज बिल्ड बाई हुम? अकबर, शेर शाह सूरी, हुमायूं और बाबर, बताओ। ये पहले बता देती हूँ, ये बिल्ड हुआ था 1583 में। कब बिल्ड हुआ था ये? 1583 में बिल्ड हुआ था। अब ये बता दो किसने बिल्ड किया था इसको। मोहम्मद, आप मेरी खिलजी वाली वीडियो जाके देखिए, मोहम्मद अरबाज, आप मेरी खिलजी वाली वीडियो जाके देखिए, उसे मैंने बताया मलिक काफूर कौन था। अच्छा सॉरी युवराज, नहीं दिखाई दिया बच्चा आपका क्वेश्चन। बच्चा दिखाई देता तो मैं पक्का जवाब देती। सूरज, ओके, शिवम गोलकांडा, अच्छा ओके, क्या बोलूँ अशोक। अमनदेव, वेरी गुड अमनदेव, वेरी वेरी गुड। प्रामिक सिंह, प्रमिक सिंह, वेरी गुड। हर्ष, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा, वेरी गुड हर्ष सिंह, बहुत अच्छे। अकबर ने बनवाया था इलाहाबाद फोर्ट, बनवाया था कब? 1583 में। हाजी मोहम्मद अरबाज, वॉट वॉज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीर बख्शी ड्यूरिंग द मुगल एरा? ये भी पढ़ाया है मैंने आप लोगों को। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी मीर बख्शी की मुगल एरा के ड्यूरेशन में, उसके ऊपर कौन सा कारभार दिया गया था? मैंने बताया था आपको जब मैं अकबर का टॉपिक पढ़ा रही थी लास्ट क्लास में, यानी कि कल, तो मैंने बताया था कि मीर बख्शी क्या होता है, कैसे, किसके पास क्या क्या पावर होती, सब कुछ बताया था। अब बताओ उसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी मीर बख्शी के पास? ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर, या फिर मिलिट्री डिपार्टमेंट, या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, या फिर रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस? क्या जानता हूँ युवराज, क्या हो गया? मनसबदारी सिस्टम चलता था, मनसबदारी सिस्टम के अकॉर्डिंगली इन लोगों में डिवाइडेड हुआ करते थे सारे के सारे डिपार्टमेंट। वेरी गुड हर्ष, बहुत अच्छा बच्चा। अमनदेव, वेरी गुड। निगम, वेरी वेरी गुड मेरे बच्चों। जवाब है इसका मिलिट्री डिपार्टमेंट। अच्छा हर्ष, अशोक, विच अमंग द फॉलोइंग रिलीजन इज रिलेटेड टू दिलवारा टेम्पल ऑफ माउंट आबू? इनमें से नीचे दिए गए कौन सा रिलीजन रिलेटेड है दिलवारा टेम्पल्स माउंट आबू में? वैष्णव सेक्ट ऑफ हिंदूज, शैव सेक्ट ऑफ हिंदूज, जैनिज्म या बुद्धिज्म? थैंक्स, लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम, थैंक यू सो मच टीम। चलो जवाब दीजिए इसका भी, फिलहाल जवाब दीजिए, खुद में बात करना बंद कीजिए, आप लोग इसका जवाब दीजिए।
तुम लोग अगर टेम्पल के अंदर जाओगे तो तुम्हें साफ साफ वहाँ पे दिखाई दे देगा, वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन क्राफ्ट्समैन वर्क हुआ हुआ है, बहुत खूबसूरती से वहाँ पे नैन नक्शे जो काढ़े गए हैं वो बहुत खूबसूरती से नक्शे वहाँ बनाए हुए हैं। बेसिकली ये क्या है, जैन टेम्पल है, याद रखना इस बात को, पढ़ना है नहीं इन लोगों को। और जब क्लासेस नहीं करवा रही मैम, क्विज करवाइए, मैम क्विज करवाइए। देवगिरी वॉज फर्स्ट फॉर ऑल सब जुडिगेटेड बाई विच मुस्लिम इन्वेडर। अच्छा, देवगिरी के बारे में बहुत बार बताया, देवगिरी के बारे में बहुत बार बताया कि किसने लूटा है, कितनी बार लूटा है, ईच एंड एवरी टाइम आई मैंशन अबाउट दिस। अब इसके बारे में अगर तुम लोग गलत कहते हो ना तो बहुत बहुत मार पड़ेगी तुम लोगों को। बताओ, जवाब दो, किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज, मलिक काफूर, कुतुबुद्दीन ऐबक। बार बार बताया था, तीन बार लूटा गया था इसको, अब याद करो। अगर तुम लोग मेरी क्लासेस थोड़ी ढंग से अगर अटेंड कर लिया करोगे ना तो तुम लोग के लिए क्विजेस जो है ना वो ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे। दिलवारा जैन मंदिर इन राजस्थान। अच्छा युवराज, तुमको पर ये तो सूरज बस परेशान करेगा। मैराथन का बोला था आपने, देवगिरी वर्ष सब चीज, देवगिरी मोहित युवराज ए, वेरी गुड युवराज, मोहित सिंह वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, हर्ष सिंह वेरी गुड, हर्ष सिंह जवाब नहीं दिया। अच्छा ओके, विच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट, इनमें से ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो इनकरेक्ट है, प्लीज मुझे बताइए, यहाँ पे कंफर्म कीजिए। सिकंदर लोधी फाउंडेड आगरा, हरिहर फर्स्ट फाउंडेड द विजयनगर डायनेस्टी ऑफ साउथ, बलबन कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, या डी ऑल आर करेक्ट। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। चलो बोलो अभी, जवाब दो फटाफट। हाँ जी निगम, वेरी 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 गुड, बलबन वाला सेंटेंस जो है वो गलत है, इसको इल्तुतमिश ने बनवाया था। सिकंदर लोधी ने आगरा फाउंड किया, दैट इज राइट। हरिहर फर्स्ट फाउंडेड द विजयनगर डायनेस्टी ऑफ साउथ, दैट इज कंप्लीटली राइट। बलबन डिडंट, इसने नहीं बनवाया था, इसने कंस्ट्रक्शन नहीं कराया था कुतुब मीनार का। हाँ जी शिवम, लॉक कर दिया बच्चा, वेरी गुड। अरे यार, कुछ कुछ बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, बाकी तुम लोग तो एकदम परेशान कर दो, लेकिन पढ़ो ना। इल्तुतमिश ने कराया था बच्चा, कंप्लीट कराया था, इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया था कंस्ट्रक्शन कुतुब मीनार का, बताइए समझ में। चलो अच्छा, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द मॉस्क कुवाल उल इस्लाम एट दिल्ली, इनमें से कौन से शासक ने कुवल उल इस्लाम दिल्ली में बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर बाबर। जवाब दो बच्चा, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द मॉस्क कुवाल उल इस्लाम एट दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर बाबर, बताइए जल्दी जल्दी फटाफट। जब क्विज ना कराओ तो इतने सारे, और कहाँ गया ये मैराथन वाला हर्ष, तुम कहाँ गए जो मैराथन कराइए मैम, और एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो तुम। वेरी गुड किशन, अमनदेव नहीं बच्चा, हर्ष सिंह वेरी गुड, मोहम्मद अरबाज वेरी गुड, तुमको दुबे जी तुम खाओगे मार। नहीं बच्चा ऑफलाइन बैच नहीं है बच्चा, आप लोगों का ऑनलाइन बैच है।
युवराज वेरी गुड, निगम वेरी गुड, हर्ष सिंह, मोहम्मद अरबाज, निगम, शिवम सिंह वेरी गुड, यस युवराज, बख्तियार काकी की कहने पर उनकी याद में बनवाया था किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उकवल उल इस्लाम को कुतुब मॉस्क के नाम से भी जाना जाता है। चलो कोई तो पढ़ता है कम से कम जब मैं पढ़ाती हूँ तो। द 8th सेंचुरी त्रिपति पावर स्ट्रगल वॉज अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग। 8th सेंचुरी त्रिपति पावर स्ट्रगल वॉज विच ऑफ द फॉलोइंग, चोलास, चालुकास, पालवास, पांड्यास, चोलास, पांडास, चालुकास। पढ़ लो यहाँ से, देख लो क्या सही है, ऑप्शन कौन सा इसमें से सही होगा। श्रेया, अच्छा वेरी गुड बच्चा, आप इसका जवाब बताइए अभी आप लोग फिलहाल। स्ट्रगल किन के बीच में था, चालुकास, रक्षुकास, यादवास, चालुकास, पल्लवास, पांड्यास, छोलास, पांड्यास, चालुकास, किन के बीच में था बताइए फटाफट। बता दे रही हूँ ये जो थे ये तमिल कंट्री के लीडर थे, पहले बता दे रही हूँ, दे वर द रूलर ऑफ तमिल कंट्री। सूरज तुमको ना मार पड़ेगी, मैं सच बता रही हूँ, पढ़ो शांति से बैठ के। मोहित 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 वेरी 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 गुड, ऑप्शन नंबर बी, चालुकास, पांडवास एंड पांड्यास, इनके बीच में स्ट्रगल था। हाँ जी विराज सही कह रहे हैं आप बिल्कुल भी। चलो हुसैन सागर इज अ लेक इन हैदराबाद वॉज बिल्ड बाई, हुसैन सागर जो कि लेक था हैदराबाद में वो किसने बनवाया है, इब्राहिम कुवाली कुतुब शाह। इब्राहिम कुवाली कुतुब शाह, एक है इब्राहिम और दूसरा है अब्राहिम, याद रखना, और तीसरा है शेर शाह सूरी या हजरत हुसैन शाह वाली। तुम लोग पढ़ने नहीं आते हो ना, पहले तुम लोग खुद ही बोलते हो कि मैम क्विज कराइए क्विज कराइए क्विज करना है हम लोगों को, और जब करो तो फिर तुम लोग को पढ़ना होता नहीं है। कुछ कुछ बच्चे हैं जो पढ़ने आते हैं, जैसे नंदन आता था, ये अमनदेव आता है, मोहित, युवराज, शिवम, तुम लोग तो एकदम पढ़ने मांगते ही नहीं हो। कोई बात नहीं अमनदेव, जवाब तो आप दे रहे हो, क्या दिक्कत है। ऑप्शन नंबर डी, हजरत हुसैन शाह वाली। हाँ जी मोहित वेरी 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 गुड वेरी गुड। युवराज सी और डी एक जैसे नहीं थे, थोड़ा सा कंफ्यूजन था उसमें, क्लियर हो गया। कैसे कंफ्यूज कर दिया मैंने तुमको, पढ़ो एक बार अच्छे से उसको जाके, एक बार वापस से रिवाइज करो, तुमको याद आ जाएगा। चलो विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज गेव राइज टू द वर्कशिप ऑफ सत्यपीर अ कॉमन गॉड विच वॉज वेरी मच इक्विवेलेंट टू सत्यनारायण अमंग हिंदूज। सत्यनारायण भगवान आप लोगों को पता होगा, तो अब इनमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से किस डायनेस्टी ने पूजा करनी शुरू की थी, वर्कशिप करना शुरू किया था सत्यपीर की, जो कि कॉमन गॉड थे और जिनका कहीं ना कहीं वो इक्विवेलेंट किसके थे, सत्यनारायण भगवान की तरह थे, जैसे सत्यनारायण भगवान हम लोग जैसे हिंदूज मानते हैं उनकी तरह, उनका भी एक कंसेप्ट जो वो लेके आया था सत्यापीर का, जिनको वर्कशिप करते थे। तो उनका है लोदी डायनेस्टी, हुसैन शाही डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी या फिर समा डायनेस्टी। हर्षित हेलो, सोलह नंबर क्वेश्चन क्या था बच्चा, रुक जाओ बच्चा मैं देखती हूँ, रुक जाओ, सोलह नंबर कैसे बोल रहे हो तुम, रुको एक सेकेंड, यही है ना। तो स्ट्रगल जो था चालुकास, पल्लवास और पांड्यास के बीच में था, तीन किंगडम का स्ट्रगल था साउथ इंडिया में पावर के लिए, तीन किंगडम का स्ट्रगल हुआ था साउथ इंडिया में पावर के लिए, और ये सारे कहाँ के रूलर्स थे, तमिलनाडु के, सॉरी तमिल कंट्री के रूलर्स थे ये लोग।
इसमें क्या कंफ्यूजन हो गई? बोलो युवराज। तुम लोग चैट्स मुझे शो नहीं कर रहे हैं। सत्यापीर किसके डायनेस्टी से बिलोंग करता था? 1494 से लेके 1434 पे हुसैन शाही डायनेस्टी से बिलोंग करता था। किसने शुरुआत की थी इसकी? हुसैन शाही डायनेस्टी ने। बच्चा आप लोग को चैट मुझे शो नहीं कर रहा है बच्चों। बेटा शिवम एक्सप्लेन किया तो बच्चा अभी आप लोगों को बोला तो, तीन डायनेस्टी के बीच में साउथ इंडिया में पावर के लिए लड़ाई थी। तो वो तीन जो डायनेस्टी थी वो तमिल कंट्री की तीनों रूलर्स की डायनेस्टी थी जिन लोगों में लड़ाई हुई थी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, 16 नंबर में क्वेश्चन क्या था बच्चा, कि इन सब में से कौन सी डायनेस्टी, देखो चोला डायनेस्टी, एक सेकेंड, चोला डायनेस्टी जो थी ये डायनेस्टी अलग डायनेस्टी थी, ये डायनेस्टी जो थी राक्षसुका जी अलग डायनेस्टी थी, यादवाल, इनसे पूछा जा रहा है। अभी सारी साउथ इंडियन डायनेस्टी थी तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी डायनेस्टी के आपस के बीच में युद्ध हुआ था पावर के लिए, क्या वो छोलास के बीच में था और रस्त्रुकास के बीच में था, या यादवास के बीच में था, या फिर वो चालुकास के बीच में पल्लवास और पांड्यास के बीच में था, या तो फिर छोला पांडा और चालुकास के बीच में था, ये पूछ रहा था, ये चीज़ें क्लियर कर रहा था। सी एंड डी ऑप्शन इन 16 नंबर क्वेश्चन। हाँ हाँ, यू आर राइट, यू आर राइट युवराज, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। हाँ जी युवराज, एकदम सही कह रहे हो। अमनदेव ब्रोकन हार्ट हो गया है ब्लॉक। नहीं सूरज, तुम्हारा कमेंट अब मैं नहीं देख रही, चुप हो जाओ। तो हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ जैसलमेर का, जैसलमेर का गुंडा राज? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ जैसलमेर का गुंडा राज? हरी सिंह बुद्रक, सागरमाल गोपा, केसरी सिंह बराहात, अर्जुन सिंह गुज्जर, गुर्जार। हाँ ब्लॉक हो गया, तुम लोग परेशान करो बस। ये एक फ्रीडम फाइटर भी थे जो कि राजस्थान से थे, पहले बता दे रही हूँ, ये फ्रीडम फाइटर थे और ये राजस्थान से थे। इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था 1921 में। मैंने थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन डाला है मॉडर्न साइड से भी, ठीक है। फ्यूचर ऑफिसर जरा फटाफट अपनी नजरों से बताओ, और मोहित सिंह बताओ फटाफट इस चीज को। क्या हो गया सूरज, बोलो। अमनदेव नहीं बच्चा, सी नहीं है। मोहित वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। जीएम, अच्छा क्या लिख रहे हो तुम लोग, अच्छा गुड नाइट, ओके गुड नाइट। चलो बच्चों तुम लोग का एक दो क्वेश्चन और बाकी है, इसके बाद तुम लोग की क्लास खत्म हो जाएगी। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च लोकेटेड इन मुंबई इज फंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट जो है डेवलपमेंट रिसर्च लोकेटेड मुंबई में स्थित है, इसकी फंडिंग कहाँ से होती है? फंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मोहित बता दो इसका जवाब, बता दो, इसके बाद एक दो क्वेश्चन और है तुम लोग के। फंडेड किसके द्वारा है? इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च लोकेटेड इन मुंबई। अरे अमनदीप दिन की बात नहीं होती है, कभी कभी होती है ना, गलतियां हो ही जाती, क्यों नहीं हो सकती है। सूरज आपका जवाब अभी यहाँ पे गलत है, और आप फोनो फ्रेंड आपको अवेलेबल नहीं कराने की ऑप्शन दी जा रही है, तो आप इस क्विज से अभी बाहर हो सकते हैं क्योंकि आप आउट हो चुके हैं क्विज से गलत जवाब के कारण। निगम वेरी गुड।
इट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो फंडिंग करती है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च की। ये सूरज अभी साइंस। नाउ अच्छा दो क्वेश्चन और है तुम लोग का। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द काबुलियत एंड पट्टा। इनमें से किस शासक ने इंट्रोड्यूस किया था काबुलियत और पट्टा को। सूरज नहीं। मोहित वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब इसका जवाब दो फटाफट। इनमें से किस शासक ने काबुलियत और पट्टा रिलीज किया था। ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लास्ट क्लास में। मेरा पता है आवाज़ बैठ गया तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते। जब धीरे बोलती हूँ तो बोलते हो कि मैम बहुत धीरे बोल रही हूँ, थोड़ा तेज़ बोल रही हूँ। जब तेज़ बोलती हूँ तो बोलते हो मैम कूल डाउन मैम कूल डाउन। अरे कौन केस गला बैठ गया मेरा। तुम लोग को पता है सुबह से तुम लोग की क्लास में लिए जा रही हूँ। कल नहीं ले रही मैं तुम लोग की 12:30 बजे की क्लास। कल एकदम नहीं ले रही मैं। चलो जवाब दो अभी इसका। बताओ 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 फटाफट बताओ। इसका जवाब बताओ तुम लोग को दिख रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द काबुलियत एंड पट्टा। बाबर शेरशाह सूरी अकबर या फिर शाहजहां। अमनदेव नहीं। मोहित नहीं। क्या हो गया। अरे यार लास्ट दिन पढ़ा रही थी शेरशाह सूरी पढ़ा रही थी तो मैं नहीं बता रही थी युवराज बोल भी रहा वो रखा हुआ है पट्टा। याद नहीं जो मैं बता रही थी। तुम लोग ना मतलब हद कर देते हो यार। पढ़ते नहीं जो पढ़ाती हूँ तो अब इसमें गुस्सा आ जाता है मेरे को। मेहनत से पढ़ाती हूँ ना तुम लोग को। एक एक टॉपिक निकाल निकाल के पढ़ाती हूँ। उसके बाद अगर गलती करोगे तब वो चीज़ फिर अच्छी नहीं है। अच्छा सूरज ये बात है। हाँ जी युवराज बी स्टडी टाइम बी। कोई बात नहीं एक जवाब गलत हो ही सकता है क्यों नहीं हो सकता। मैंने बताया था आपको प्लीज शेर शाह सूरी वाली जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है प्लीज उसको जाके देखो एक बार। उसमें मैंने उसके एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन किया। उसने क्या क्या नए चीज़ें इंट्रोड्यूस की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जीटी रोड के बारे में ईच एंड एवरी थिंग। युवराज मैं तुमको बोल रही हूँ तुमने बहुत सही जवाब दिया है वेरी गुड। मैं वो बोल रही हूँ तुमको मैं लोगों को याद दिला रही थी याद करो दिन युवराज ने क्या कहा था कि घर में अभी तक है वो वाला सीन में याद दिला रही थी। अमनदेव लास्ट मैंने अकबर पढ़ाया है। अकबर से ठीक पहले मैंने शेर शाह सूरी पढ़ाया है मेरा बच्चा मेरे प्यारा प्यारा स्वीट स्वीट सा बच्चों। सो द फर्स्ट इन्वेशन ऑफ इंडिया द फर्स्ट इन्वेशन इन इंडिया बाय मोहम्मद ऑफ गजनी वॉज टुक प्लेस इन सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। फर्स्ट इन्वेशन इन इंडिया बाय मोहम्मद ऑफ गजनी वॉज टुक प्लेस इन किस ईस्वी में हुआ था बता दो। कोई बात नहीं शिवम गलत हुआ एक चार ही हुआ कोई दिक्कत नहीं है। सूरज ना मानने वाला है नहीं। हाँ जी इसका ऑप्शन है बी। यहाँ पे देखो मोहम्मद गौरी तुमको पता ही है इंडिया में 17 बार अटैक किया था उसने। बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही। मोदी जी कैसे हैं यार। अच्छा चलो आज की क्लास तुम लोग की होती है ख़त्म और अब मेरी भी हालत हो गई है थोड़ी सी डाउन। आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते आज सुबह से आप लोग क्लास में लिए जा रही हूँ मतलब लिए ही जा रही हूँ। मोहित सिंह स्टडी टाइम। चलो बच्चा थैंक यू सो मच बच्चा आप लोग क्लास को शेयर तो कर नहीं रहे हो। चलो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करो टेलीग्राम के लिंक पे जाओ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ये एंथम हमारा ज्वाइन करो। लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम यूट्यूब पे आओ यहाँ पे आप कमेंट करो आपको जैसी भी क्लास लगी इसके बारे में बताओ इसे शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ठीक है। टेलीग्राम पे ज्वाइन करो। चलो बच्चा बाय बाय टेक केयर एवरीवन गुड नाइट। जाओ अच्छे से सो जाओ तुम लोगों ने वक्त दिया। मैं नहीं संभाल रही युवराज किसी को भी। हाँ जी किशन पेरेंट्स से गुड हो गए मैडम तो शुगर क्यों टेक केयर अमनदेव। हर्ष अब वापस से होगा जब आपके नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट कराऊंगी। मैं जितने जितने चैप्टर कराती हूँ मैं बस उसी की क्विजेस लेती हूँ
बात आई समझ में? ये नहीं कि बस कुछ भी क्यूज कराते जा रही और बोल दूँ हाँ कंप्लीट तो हो गया तुम लोग का सिलेबस। तो जो मैं थ्योरी क्लासेस करवाऊंगी उसी के मैं तुम लोग को क्विजेस भी लूंगी। चलो बाय, गुड नाइट। इतनी देर साथ देने के लिए धन्यवाद अभिषेक, गुड नाइट। शिवम थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच यार, तुम लोग इतना बोल देते हो यही बहुत ज़्यादा है।